तो हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट प्लेन पैरेलल सीट ऑफ चार्ज, ठीक है, दो इन्फिनाइट, इन्फिनिटी का सिंबल ऐसे हम लोग दे देंगे, मतलब वहां पे, ठीक है, दो इन्फिनाइट पैरेलल सीट हम लोगों ने कंसीडर किया, ठीक है, इसके में चार्ज, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा है, सिग्मा भी मानेंगे, सिग्मा ए सिग्मा बी क्यों मानेंगे, क्यों इसका हम लोग ए मान लिया, इसको हम लोगों ने बी मान लिया, ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए होगा हमारा सिग्मा ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बी हमारा होगा सिग्मा बी, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन, ठीक है, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू, ठीक है, तो हमारा देयरफॉर हम लोगों ने एक पैरेलल, एक प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पहले के एप्लीकेशन में कर लिया है, तो वो होता है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ए इतना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी का इतना होगा, सिग्मा बी बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसमें हम तीन रीजन कंसीडर करते हैं, ठीक है, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री, ठीक है, हम लोग तीन इसमें रीजन कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड टू दोनों यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड टू दोनों आ रहा है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो वन और थ्री में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन वन और थ्री का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ई वन में इधर डायरेक्शन में, तो ई टू इधर, ई थ्री में इधर डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने E1 और E2 निकाल लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो इन रीजन वन, ठीक है, इन रीजन वन हम लोग देखते हैं, इन रीजन वन में हमारा कितना होगा, इन रीजन वन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है, हमें किसी एक को इसमें से माइनस और किसी एक को इसमें प्लस लेना होगा, ठीक है, तो मान लिए ये हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने माइनस मान लिया, ठीक है, तो माइनस ई वन माइनस ई टू, ये माइनस ई वन, ई वन भी उस डायरेक्शन में है, माइनस ई टू भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, सिग्मा ए बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे हमारा हो जाएगा माइनस वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ठीक है, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड इन रीजन वन, ठीक है, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन टू देखेंगे, ठीक है, इन रीजन टू, ठीक है, रीजन टू में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अब वो हम देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन टू हम ई टू ई सेकंड से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वन का इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू का इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हम ई वन माइनस ई टू यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो ई वन माइनस ई टू, ठीक है, एक हम लोगों ने इस साइड को नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है, तो इसलिए इस साइड को हम लोगों ने माइनस टू कर दिया, ठीक है, ई टू, तो ई वन पॉजिटिव, ई टू माइनस, तो ई वन माइनस ई टू, ठीक है, तो ई वन माइनस ई टू हम लोगों ने किया, तो सिग्मा ए बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारा हो गया, इससे हम वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन टू में हमें मिलता है वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, ठीक है, इसके बाद इन रीजन थ्री में हमारा होगा, इन रीजन थ्री आप लोग लिख लीजिए, मैं सिर्फ थ्री लिख दिया, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ सेम है, ठीक है, तो हमारा ई वन और ई टू दोनों प्लस हो जाएगा, तो ई वन प्लस ई टू, ठीक है, तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए, ठीक है, प्लस सिग्मा बी बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे हमें मिल जाएगा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ठीक है, ऐसे हमारा रीजन थ्री में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो यहाँ पे रीजन वन, रीजन टू और रीजन थ्री में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अब एक स्पेशल केस हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, स्पेशल केस, अगर सिग्मा ए जो है वो सिग्मा हो और एंड सिग्मा बी जो है वो माइनस सिग्मा हो, ठीक है,
तो हमारा इलेक्ट्रिफिल रीजन वन और रीजन टू में क्या होगा, ठीक है? देखो इन रीजन वन हम लोग इसको एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड ये इक्वेशन थ्री, ठीक है? तो इन रीजन वन में हम लोग जान लिया इक्वेशन वन इम्प्लाइज कितना होगा, हमें मिलेगा ई वन इक्वल टू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है माइनस वन बाय टू एप्सोल्यूट नॉट सिग्मा ए सिग्मा बी। अब यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा बी करेंगे तो दोनों एक दूसरे, सॉरी सिग्मा माइनस सिग्मा करेंगे तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो इंटू इतना जीरो, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा वन बाय टू एप्सोल्यूट नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा जीरो, ये हो गया हमारा, ठीक है? ये मिनिमम, ये हमारा रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड तब हमारा जीरो हो जाएगा। उसके बाद रीजन टू में देखते हैं, इन रीजन टू हमारा क्या होगा, इन रीजन टू में हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमारा है वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्या था इक्वेशन टू हमारा, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, ठीक है? वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, तो हम इसको करेंगे अब सिग्मा ए बाय ये सिग्मा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिग्मा, ठीक है? तो टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू टू हमारा कैंसिल हो जाएगा, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रीजन में मिल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेराइवेशन समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमारा लास्ट एप्लीकेशन भी खत्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू इन्फिनाइट प्लेन पैरेलल सीट ऑफ चार्ज, ठीक है? तो यहाँ पे हम दो प्लेन पैरेलल सीट का चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।